हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लवली तिवारी फ्रॉम इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे रेलवे एग्जाम, एनटीपीसी स्पेशल, एसएससी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इंडियन रेलवे से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेलवे का विकास कैसे हुआ, भारत में किसने किया रेलवे का विकास, और रेलवे से जुड़े हुए जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशल टू द पॉइंट देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो के लिए आपका कोई सुझाव है, आपको कोई किसी नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। अब हम डिस्कस करेंगे आगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है भारतीय रेलवे जोन को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय रेलवे जोन 18 जोन में बांटा गया है। फ्रेंड्स, ये 18 जोन में बांटा गया है, और जो इसका 18 नंबर का जोन है वो 27 फरवरी 2019 को रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी ने आंध्र प्रदेश में नए रेलवे जोन की स्थापना किया था। यानी जो 18 नंबर का जोन है ये नया रेलवे जोन है और इसका नाम है दक्षिणी तट रेलवे। यह आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है, तो ये ध्यान रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है वो है रेल फील्ड फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो रेल फील्ड फैक्ट्री येलहंका बेंगलुरु में स्थित है, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी भी कहते हैं और गार्डन सिटी भी बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। और रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पीआरएस का फुल फॉर्म पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है। गाइस, वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, तो ये भी ध्यान रखना है। और रेलवे जोन 18 है, और रेलवे जोन को जो है ये 18 जोन को 73 मंडल में बांटा गया है, तो ये भी ध्यान रखना। और उत्तर जोन भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे मंडल है वो लंबाई की दृष्टि से अगर देखें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे लंबा है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है चेन्नई में, तो ये ध्यान रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है। तो वर्तमान मूल्य इसका 5 रुपये या 10 रुपये हैं, मिनिमम 5 रुपये और मैक्सिमम 10 रुपीज़, तो ये ध्यान रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे IRS की फुल फॉर्म क्या है। IRS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड IRS का फुल फॉर्म है। फ्रेंड्स, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक, तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो है पहली ट्रेन कब चली थी, तो ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वो है भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी। तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चली थी भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, और भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी, और उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से 1856 ईस्वी है, और रेलवे परिवहन का प्रारंभ उसने जो है 16 अप्रैल 1853 में किया था, और ये ट्रेन पहली बार मुंबई से थाड़े तक चली थी। तो ये थे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से और भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। फ्रेंड्स, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो कि 80 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड ये मुगल सराय में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, मुगल सराय को दुनिया भर में एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड के लिए जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था। तो रेलवे बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था, और भारत में रेलवे का विकास 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। तो ध्यान रखना ये गाइस, यहाँ पे बात रेलवे बोर्ड की हो रही है, रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया था, और रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखना कि रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो ये बड़ोदरा में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे पर किसका एकाधिकार है। तो भारतीय रेलवे पर भारतीय सरकार का एकाधिकार है, ये तो सबको पता ही होगा कि भारतीय रेलवे पर जो है भारत सरकार का एकाधिकार है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं, परंतु अगर संस्कृत रूपांतरण देखें तो इसका मतलब होता है लौह पथ गामिनी, यानी कि लोहे के पथ, यानी रास्ते पर चलने वाली। तो इसको हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं, और इसका संस्कृत रूपांतरण लौह पथ गामिनी होता है, तो इसको ध्यान रखना। और अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है। तो ये माल भाड़ा सबसे बड़ा आमदनी का जरिया है। जो माल भाड़ा होता है, टैक्स होता है, वो सबसे बड़ा इसका जरिया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है PNR का फुल फॉर्म क्या है। PNR का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR का फुल फॉर्म पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है, यानी कि भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी कहाँ से कहाँ तक का है। तो वो नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर। तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। और जो अगर सबसे बड़ी दूरी की बात करें तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है किस रेल का रूट सबसे लंबा है। तो विवेक एक्सप्रेस का रूट सबसे लंबा है, जो कि 80 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। तो ये थे आज से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आज के टॉपिक से जुड़े हुए ये थे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई स्पेशल टॉपिक, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी करंट अफेयर, GK, जितने भी जो है प्लेलिस्ट हैं चैनल पे, जितने भी वीडियो हैं, सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।